इन दिनों कोरोना वायरस को लेकर देश में हाहाकार मचा हुआ है और हम लोग टीवी पर विज्ञापन के द्वारा यह भी सुन रहे हैं कि कोरोना काल में अपने हाथों को बार बार जरूर धोएं या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। ऐसे में सैनिटाइजर की बिक्री आसमान छू रही है, इसलिए ये आपको हर दूसरी दुकान पर, चाहे वो मेडिकल की शॉप हो या फिर किराना की दुकान, यह आसानी से खरीदने को मिल जाएगा। और कोरोना वायरस के बचाव के लिए ज्यादातर डॉक्टर भी हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन एक खबर आपको जरूर चौंका देगी कि कोरोना वायरस से बचाव करने वाला सैनिटाइजर आपको मौत की नींद सुला सकता है। जी हाँ, मैं हूँ राजेश तनवर प्रजापति और आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक, जो पहुँचाता है आपके शहर की हर खबर आप तक। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI ने पहली बार अलर्ट जारी कर यह कहा है कि देश में ऐसे सैनिटाइजर की बिक्री हो रही जो खतरनाक और काफी विषैले हैं, इससे लोगों की जान को खतरा हो सकता है। CBI ने इंटरपोल से मिली जानकारी के आधार पर देश भर में पुलिस और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को इस बारे में सतर्क भी कर दिया है। CBI ने बताया कि सैनिटाइजर की बढ़ती मांग को देखते हुए कई गिरोह सक्रिय हो गए और वो मुनाफे के लिए काफी विषैले पदार्थ मेथनॉल का प्रयोग कर सैनिटाइजर बना रहे हैं और बाजार में धड़ल्ले से उसको बेच रहे हैं। सोमवार को CBI के अधिकारियों ने बताया कि वैश्विक पुलिस सहयोग एजेंसी इंटरपोल ने जानकारी दी है कि मेथनॉल का प्रयोग कर फर्जी हैंड सैनिटाइजर बनाया जा रहा है और ये बाजार में धड़ल्ले से बेचा भी जा रहा है। आपको बता दें कि मेथनॉल काफी विषैला पदार्थ होता है और CBI ने यह भी बताया कि COVID-19 के दौरान जहरीले हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल के बारे में दूसरे देशों से भी सूचनाएं प्राप्त हुई है। एक अधिकारी ने बताया कि मेथनॉल काफी विषैला हो सकता है और मानव शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो दिल्ली दस्तक की आपसे यह गुजारिश है कि अगर आपके पास पानी और साबुन उपलब्ध है तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल ना करें, अपने हाथ पानी और साबुन से ही धोएं। अगर जहां पर पानी और साबुन उपलब्ध नहीं है तो वहां पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और इसके साथ विश्वसनीय कंपनी का ही सैनिटाइजर खरीदें। धन्यवाद।